गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सुरेखा कंवर अपने इस नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज है 22 मार्च और आज से नवरात्रि शुरू है और हमने अपनी पूजा कर ली। मैंने आपको मंदिर का टूर भी दिखाऊंगी कि हमने आज कैसे कैसे माता रानी की पूजा करी। तो आने वाले 9 दिनों में हम अलग अलग देवी होती है, हर देवी की पूजा की जाती है। तो मैं दिन डेली आपको हर देवी का जो भी रोल होता है कि उनकी पूजा करती है वो आपको एक एक करके बताऊंगी आने वाले 9 दिनों में लगातार। तो आज किस देवी की पूजा है वो भी मैं आगे आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी। और बाकी इस समय हम अभी ऑफिस जाने को तैयार हैं। ऑफिस जाने के लिए क्योंकि फास्ट है तो हम एक ग्लास दूध पियेंगे और फिर ऑफिस को निकलेंगे। और कहते हैं कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए और पानी बैठ करके, बिकॉज अगर हम खड़े होकर दूध पीते हैं वो हमारे घुटनों में जाता है सीधा और वो हमारे बोन्स के लिए बेटर है। और पानी अगर हम खड़े होकर पीते तो वो हमारे घुटनों में जाता है और वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी पानी का ग्लास पानी पीते हैं तो बैठ के पानी पिए, और अगर दूध पीते हैं तो हो सके तो खड़े होकर के पिए, तो ताकि आपकी बोन स्ट्रांग रहे और आपकी हेल्थ बढ़िया रहे। तो मिलते हैं आगे जब मैं आपको माता रानी के बारे में बताऊँ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि सबको। सो आज से नवरात्रि शुरू है, हमने पूजा कर दी है भगवान जी के पास। साफ सफाई करने के बाद हमने फूल चढ़ा दिए भगवान जी को और जोत भी लगा दी। और अभी कई नवरात्रों में हम जौ भी बोते हैं तो मैं ये जौ पानी में रख रही हूँ। उसके बाद हम इसको बीज देंगे ताकि इसे थोड़ा अंकुरित हो जाए, भीग जाए पानी में। फिर उसके बाद हम इसको मिट्टी में लगाएंगे। फिर नवरात्रों के 9 दिन जौ उगाई जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारी जौ कैसे ग्रो करेगी 9 डेज, तो वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम व्रत रख रहे हैं आज, मिलते हैं आपको गाइस बाद में। सो गाइज हम अभी ऑफिस से घर वापस आ गए हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में अपने मंदिर के दर्शन कराए थे, जैसे हमने आज पूजा पाठ करी और आज हमारा व्रत है, मैंने वो भी आपको पहले बताया था ब्लॉग में। तो आज कौन सी देवी की पूजा होती है, 9वें दिनों में से पहला दिन किस माता के लिए डेडिकेटेड है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, पहला और दूसरा दोनों ही, क्योंकि कल सेकेंड डे होगा जब मेरा आपके सामने ब्लॉग मिलेगा। तो मैंने सोचा आपको दोनों देवियों के बारे में आज ही बता देती हूँ। माता शैलपुत्री हैं जो दुर्गा का पहला प्रथम रूप माना जाता है, और जो शैलपुत्री है इज वन ऑफ द 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। शी इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस एंड इज ऑल्सो नोन एज प्रथम दुर्गा। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी गॉडेस शैलपुत्री इज द डॉटर ऑफ किंग हिमावन एंड क्वीन मैनावती। She is believed to have been born in the house of King Daksha Prajapati as his daughter named Sati. She later married Lord Shiva and became the mother of Lord Kartikeya. The legend of Shailputri says that in her previous birth, she was born as Sati, the daughter of King Daksha. She fell in love with Lord Shiva and got married to him against her father's wishes. Once Daksha organized a grand yagna and invited all the deities except Lord Shiva. Sati went to the yagna without an invitation and was insulted by Daksha. Unable to bear at the insult of her husband, Sati immolated herself in the fire of yagna. In her next birth, Sati was born as Parvati, the daughter of King Himavan and Queen Mainavati. She performed severe penance to win Lord Shiva's love and eventually married him. She is known as Shailputri because she was born as the daughter of the king of the mountains Himavan. During the Navratri festival, devotees worship goddess Shailputri as on the first day. She is depicted riding a bull and holding a trident and lotus in her hands. It is believed that worshipping her can help remove obstacles and bring success in life. So, कहते हैं कि जो माता रानी है ये माता शैलपुत्री जो है, इनको दुर्गा का प्रथम अवतार माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। आप सबको ही पता होगा माता सती जब सती हुए थे उन्होंने अपने आप को आग में, अखंड आग में जाकर के खुद को जला लिया था, और इससे शिवजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। शिवजी की जब उनका तांडव स्तोत्र है, मतलब विष्णु भगवान ने किस तरीके से उनको शांत किया, वो सती माता का जो शरीर था वो लेकर के ऊपर चले गए थे, मतलब जो उनका तांडव था वो कर रहे थे और वो शांत नहीं हो रही थी, पृथ्वी में बहुत भूचाल आ गया था। तो इसी बीच विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से जो सती माता का शरीर था उसको
अलग अलग शक्ति पिंडों में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से 52 शक्ति पिंड है जो कि पूजा की जाती है, और इस उनमें से काफ़ी सारे शक्तिपीठ जो है हमारे हिमाचल में है, और हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, नैना देवी आप सबको पता होगा, और मनसा देवी जो है ये मणिमाजरा में है। ऐसे काफ़ी सारे शक्तिपीठ है, जब मैं कभी जाऊँगी किसी शक्तिपीठ में आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैंने आपको असम के बारे में बताया था, असम में भी एक शक्तिपीठ है जो कि है कामाख्या देवी का, और हम वहाँ गए थे, बहुत अच्छी जगह है, तो वो भी इससे ही रिलेटेड है, माता सती माता से रिलेटेड ही है, तो मेरे को लगा आपको बताना ज़रूरी है, मैंने बताया। तो जो आज पहली कथा वो इन्हीं माता की जाती है, दुर्गा माँ का रूप है ये शैलपुत्री माता। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, जो माता दुर्गा माता का पहला रूप है। ऑफिस में आज हमने संजीवनी बूटी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, उसके बारे में आप देखिए आगे वीडियो में, मैं ऑफिस का लुक भी दिखाती हूँ आपको। चलो ज्यादा नहीं है, टूर निकल गई है, पूरे डाल दो मैम, पूरे ही सारे के सारा ऐसे। अच्छा हाँ चलो, वो ज्यादा अच्छा था, ये भी यहाँ तो फूल जाता है, ये इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। खुशबू नहीं है इसमें कोई भी, नहीं है खुशबू, है तो वैसा ही जैसा वीडियो में बताया। इसको हमने पानी में डिप किया, फिर जब ये ग्रीन होगा तो ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने फोटो अटैच करी है साथ में। अरे मोनू कहाँ गया, क्यों भोग रहे तुम, मेरे को भोग रहे तुम, क्यों भोग रहे, ओले मेरा बच्चा, ओले बाबा, ओले बाबा कितना खुश हो रहा, कितना खुश हो रहा मेरा बच्चा। हाँ दो दो पाल ले रखी, इसको क्या हुआ, देखो क्या हुआ, कहा करे तुम दोनों, कहा करे, हाँ बच्चो, ओले मेरा बच्चू, हाँ आजा फिर आजा गोदी में, आजा गोदी में आजा, कितनी खुश हो रही, सुबह मेरे को भौंक रही थी, खाने पड़ रही थी मेरे को, मम्मी को गई बताने की, आ गई आपके पास आई पीछे, आजा मेरा बच्चू, आजा। ऑफिस से आते हुए फिर हम शॉपिंग करने गए, हम सिंघाड़े का आटा लाने गए थे, और सिंघाड़े और कट्टू का आटा, तो हम ये आटा लेके आए, इसके बाद हमने इसके स्नैक्स बनाए शाम को अपना फास्ट खोलने के लिए, तो वो भी मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ, अभी ब्लॉग में एंड नहीं कर रही, तो वो भी दिखाती हूँ कि हमने फास्ट क्या खा के खोला और कैसे कैसे हमने वो डिशेज़ बनाई जो हम फास्ट वाले दिन खाते हैं। तो नवरात्रि का फर्स्ट फास्ट था जो अभी हम ये शॉपिंग करने के बाद सामान लेके जा रहे हैं, इसके बाद इसका बनाएंगे और फिर उसको खाएंगे और फास्ट खोलेंगे। मॉर्निंग में मैंने दूध का ग्लास लिया था, साथ में आलू का फलाहार भी थोड़ा सा बनाया था, भी शाम को हमने ले लिया साथ में, तो आप देखिए आगे वीडियो में, और अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए। और मीठे में साबूदाने की खीर थी, तो हमने फलाहार बनाने के बाद भगवान जी को चढ़ाया, उसके बाद भोग हमने चखा, हमने उसके बाद खाया था, तो वो भी देखिए आगे। कट्टू के आटे के पकौड़े टाइप बना रहे हैं हम, इसमें आलू मिक्स किया है और आटा गूंदा हुआ है, यहाँ पे ये आटा है और ये बन रही है आलू का फलाहार। नवरात्रि का पहला दिन हमने जो कट्टू के आटे की रोटी बनाई है और साथ में हमने मीठी खीर बनाई है, तो माता रानी के लिए भोग लगा दिया, यहाँ हमने कलश स्थापना करी, माता रानी को जोत भी लगा दी, पूजा करी। ये अब हम फास्ट में खाएंगे आलू की सब्जी, साबूदाना एंड कट्टू की रोटी, साथ में थोड़ा सैलड आइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना, और छोटों से प्यार करो, बड़ों की रेस्पेक्ट करो और खुद खुश रहो।